स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करें और इस तरह के और भी क्वेश्चंस पर आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो सके। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे यदि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप। इट इज़ ओपन एट द टॉप। टॉप पर ये ओपन है, यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे तक क्या है, ये इस पर भी मेटल लगे हैं या प्लास्टिक लगा है। जो भी प्लास्टिक का होगा तो प्लास्टिक लगा होगा, मेटल का होगा तो मेटल लगा होगा, पेपर का होगा तो पेपर लगा होगा, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दिया जाता है एग्ज़ाम टाइम में, उस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। इट इज़ ओपन एट टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस। मुझे ये भी इग्नोर कर देना है कि वो बॉक्स कितने मोटे गत्ते का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है। आपको इसमें दो चीज़ें फाइंड करना है, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इसमें क्या एरिया लगेगा। साथ में आपको ये बताना है कि उस बॉक्स को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एल गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 1.25 मीटर, और हमें डेप्थ मिल हाइट गिवन है 65 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो 100 से डिवाइड कर दें तो ये 0.6 मीटर जो होगा इसकी डेप्थ बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा गया फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ शीट फॉर द बॉक्स। तो इसके लिए बेटा आएगा फार्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फार्मूला होता है, 2L+B × H प्लस एरिया ऑफ बेस का होता है L × B, ठीक। अब इनके प्लेस पर उन नंबर को रख दीजिए जिनसे कह रहा है, तो 2L हो गया 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच में 0.6 प्लस 1.5 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, 1.5 में 1.25 को प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इनको प्लस करेंगे तो 2.75, इनको प्लस इनको यहाँ पे पॉइंट पे मल्टीप्लाई का फॉर्म आ गया, प्लस अब आपके पास 1.5 है और उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1.25 के साथ, तो आपके जो आंसर होगा यहाँ पर 1.875 मीटर स्क्वायर। अब 2 से ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, तो 1.2 हो गया। 2.75 प्लस 1.875 हो जाएगा, तो 1.2 की जो मल्टीप्लाई आप करेंगे 2.75 में करेंगे तो आपके पास जो बनेगा वो 3.300 बनेगा, बट 0 हटा लेंगे और प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर ये बना लेंगे, और इसमें आप 1.875 को प्लस कर लें तो 5.175 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक। एक बार फिर से आप चाहें तो चेक कर लें कि 1.5 जो है उसमें आप 1.25 प्लस करेंगे तो आपको 2.75 मिलेगा। 2.75 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर लें तो 5.5 हो जाएगा।
उसकी मल्टीप्लाई आप 0.6 से कर लें तो 3.3 आ जाएगा, और इधर 1.5 की मल्टीप्लाई आप 1.25 से करेंगे तो 1.8 सेविन होगा, और 3.3 में प्लस 1.875 को जब आप प्लस कर लेंगे तो 5.175 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द कॉस्ट फॉर इट, तो सेकेंड पार्ट पे कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया मल्टीपल बाय रुपीज़ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.175 की मल्टीप्लाई आप 20 से करें तो क्या आएगा भाई, जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, 2 5 10 हो गया, 14 and 1 15 हो जाएगा, कैरी 1 2 1 2 1 3 2 5 10 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो जो आंसर होगा वह 103.50, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स टू वॉच।